बिहार में बाढ़ और कोरोना से तबाही मची हुई है, वहीं चुनाव की गहमागहमी भी चल रही है। जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय ने इस पर आपत्ति जताते हुए चुनाव टालने की मांग की है। पंकज सहाय ने बिहार बाढ़ पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि यह नेतृत्व की इच्छा शक्ति का कारण है। ऐसे ही कई ज्वलंत मुद्दों पर पेश है पंकज सहाय से एक भेंटवार्ता। पंकज जी, आने वाले कुछ समय में बिहार के चुनाव होने वाले हैं, तो आपको बिहार के चुनावों में क्या स्थिति नजर आ रही है? बिहार का चुनाव, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब जब चुनाव देश में आता है तो यह एक अलग तरह का त्यौहार हो जाता है। हर आदमी राजनीति में लिप्त होता है, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट, और कहीं ना कहीं इसकी चर्चा जरूर करता है कि इस बार किसकी सरकार, तो इस बार किसकी सरकार। सरकारों पे तो चर्चा हो जाती है, बट अपनी स्थिति क्या है, हमारी समाज की स्थिति क्या है, हमारी पर्सनल स्थिति क्या है, हमारा देश में विकास का जो दर है वो कहाँ है, उसमें अवेयरनेस नहीं होता है। हम चर्चा करते हैं, और बिहार का चुनाव की जहाँ तक बात करेंगे तो खास कर बिहार में चुनाव जातीय समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। उनके यहाँ बाढ़ आई है, कोरोना महामारी से लोग ग्रसित हैं, लोग परेशान हैं, रोजगार टूटा हुआ है, पूरे देश में लेबर बिहार से जाती थी वो किसी तरीके से मरते जीते अपने स्टेट में पहुंची है, और उसके बावजूद वहाँ पे सरकार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई है जिससे सभी लोग भरपेट रोटी भी खा सकें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहार का जब चुनाव आया है तो सभी लोग ये प्रश्न करेंगे इस बार किसकी सरकार। तो सरकार आने का और जाने का वजह निर्धारित ही नहीं होता है। फिर से इस बार टिकट ऐसे घुटिए आधारों पर बांटे जाएंगे कि किधर का शेड्यूल कास्ट है, तो किधर का वोट में ब्राह्मण है, किधर का राजपूत है, और बहुत हद तक अब तो फॉरवर्ड क्लास में केस अभी मुंबई सेलिब्रिटी की जो आत्महत्या का आया है उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग राजनीति की रोटी उसको सेक रहे हैं बिहार में। तो क्या कहा जा सकता है, बिहार का चुनाव की दशा दिशा क्या होगी? अब चुनाव आयोग एक बार निर्धारित कर दे तिथि, अधिसूचना लग जाए तो वास्तविक स्थिति पता चलेगी। अभी तो उहापोह में है कि चुनाव होगा कैसे। अभी आपने दो बिहार की दो बड़ी समस्याओं के बारे में बताया, जैसे बिहार में बाढ़ की स्थिति और भारी मात्रा में श्रमिकों का बिहार में वापस आना। तो बात करें बिहार में बाढ़ की, तो वह हर साल आती है, तो क्या उस पर रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई आज तक क्यों नहीं की? देखिए, कुछ चीज़ें तो प्राकृतिक आपदा जो है उनकी जियोग्राफिकल भौगोलिक दशाओं के ऊपर निर्भर करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उपाय नहीं हो रहा है या कोई भी सरकार आती है तो उपाय नहीं करती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत हद तक नियंत्रण में लाया गया है। बिहार में जो बाढ़ की स्थिति होती थी, बाढ़ की जो विभीषिका होती थी, वो उससे तो परेशान पूरा बिहार रहता था। इस बार जो हम बाढ़ देख रहे हैं या पीछे जो बाढ़ रहा, धीरे धीरे इसके बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में कमी आई है और बहुत हद तक संसाधनों का उपाय हुआ है और बहुत हद तक राहत है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सरकारें, खास करके बाढ़, देखिए जिस समय आती है, बाढ़ आया जैसे अभी, अब चुनाव का समय आ गया है, तो बाढ़ प्रभावित इलाकों को बाढ़ राहत के लिए जो पैसा दिया जाता है इसका अजीब सा हिसाब किताब है, जो पता ही नहीं चलेगा आपको भी पैसा गया कहाँ। तो शासन प्रशासन सब मिलकर के एक लूट मचा देते हैं, और हम बात करते हैं एंटी करप्शन मूवमेंट की, और वहाँ पे करप्शन का चरम देखने को मिलेगा आपको, जैसे आपको कोरोना में भी यही हाल है। तो इन चीज़ों को जहाँ तक हम लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जब तक एक अंदर से इच्छा शक्ति नहीं आएगी कि सत्ता मिले अगली बार ना मिले, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि हर व्यक्ति अंतरात्मा से कहे कि नहीं, यह सरकार ने हमको बड़े राहत दी। राहत पैकेज में अगर सही से 30% पैसा भी खर्च कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बाढ़ की विभीषिका मात्र 10% रह जाएगी, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है और सभी लोगों को एक राहत मिलेगा। लेकिन विडम्बना ये है कि
सरकारें ऐसी हैं, जनता भी जानती है, पता नहीं कहाँ से चुनाव प्रचार में इतना पैसा खर्च करते हैं। लोग कहते हैं कि पब्लिक देती है, मुझे तो नहीं लगता, मैं भी राजनीति में हूँ, पब्लिक क्या पैसा दे देगी? अगर बहुत खुश होंगे तो आपको कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, और कितने जनता भी जमा भी कर लीजिए, उससे ज़्यादा तो ये पैसा बांट देते हैं चुनाव में वोट खरीदने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और जनता सजग हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। और बात करें बिहार के श्रमिकों की, तो बिहार के श्रमिक पूरे भारत में और विदेश में भी जाते हैं काम करने, क्या कारण है कि उन्हें बिहार में ही काम नहीं मिल पाता है? इसमें पहले ये कहते थे कि लालू प्रसाद ने, पूर्व आरजेडी सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया, लेकिन 15 साल से तो गैर लालू सरकार रही। देखिए, काम कहाँ मिलता है, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा काम कहाँ मिलता है। काम वहाँ मिलेगा जहाँ काम होगा। जो बिहार के लेबर हैं, जो श्रमिक हैं, ये बाहर जाते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वहाँ जाते हैं, बिल्डिंग्स के काम है वहाँ जाते हैं, कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ जाते हैं, कहीं फैक्ट्रियाँ लगी हैं वहाँ जाते हैं। बिहार में आप बताइए, जो नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे जो काम कर रही है उसके अलावा, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी या बाहर की या बड़ी कंपनियाँ जो कर रही हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मामले में कहाँ पे? मेक इन इंडिया के तहत आज डिफेंस कॉरिडोर का भी घोषणा हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश का चयन किया गया, उसके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट लिए गए, चेन्नई को चयन किया गया, कुछ पार्ट वहाँ के लिए गए, लेकिन बिहार के लिए कोई इस तरह का पैकेज दिया गया कि हाँ यहाँ भी, जबकि स्किल्ड लेबर सबसे ज़्यादा बिहार में, जो मैन रिसोर्स हैं, रिसोर्स ऑफ मैन पावर है, वो सबसे ज़्यादा बिहार में है, लेकिन किसी भी तरह का इस तरह का, आप नेट ग्रिड को भी ले लीजिए, जो पावर प्लांट्स वगैरह सबको जो कनेक्शन के लिए, उनके चीज़ों को मेंटेनेंस के लिए जो बनाई गई, उसमें भी बिहार का कितना परसेंट रोल है? तो सवाल उठता है कि बिहार में जब रास्ता खोलेंगे कि रोजगार के अवसर के लिए, वहाँ तो रोजगार क्या है, सिविल लाइफ जो बीत रहे हैं लोग, कोर्ट कचहरी, दुकान, मॉल, छोटे मोटे और खेती बाड़ी, यही वहाँ है, तो वहाँ पर रोजगार किस चीज़ का मिलेगा? रोजगार तो तब मिलेगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। पहले झारखंड था साथ में, तो माइनिंग एरिया थी, तो बिहार के लेबर वहाँ जाते थे, अब झारखंड भी अलग हो गई, माइनिंग है नहीं, अब उनका कुछ नहीं बचा तो रोज़गार देंगे कहाँ से? ऊपर से लाइबिलिटी जो है स्टेट के मेंटेनेंस की, वो बहुत ज़्यादा है, सीवरेज सिस्टम है आपका, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें, वो चरमराती क्यों? इसी वजह से, एक तो ओवरलोड उनके पास लोग हैं और संसाधन की कमी है, तो इसीलिए बिहार में, और ये नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाए, बड़े बड़े वादे करते रह गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाए, लेकिन ऐसा कुछ इनको देखने को सुनने को तो मुझे मिला नहीं, ना बिहार की जनता को कोई सौगात मिला। मोदी जी भी आए, बड़े बड़े दावे करके गए, 62,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, बताओ कितना दे दें। अब वो 1,000 करोड़ जनता पूछने को तैयार ही नहीं है कि नीतीश जी, मोदी जी इतना पैसा दे के गए, अब तो दोनों साथ लड़ रहे हैं चुनाव, उस पैसे का क्या हुआ? वहाँ पे कोई अगर इंडस्ट्री लगी हो, वहाँ पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ हो, मैं तो देखता हूँ पटना से एक उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली गंगा पुल जो नदी है, उसको बनने में 8 साल लग गए, जो कि अभी तक काम चल ही रहा है, कभी जाइए तो काम नज़र आएगा, कभी नहीं नज़र आएगा, तो अभी तक तो वहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात नहीं मिली है। जो इस, और वही आप देख लीजिए दिल्ली ऐसे शहर में, मेट्रो में, महानगरों में, रातों रात DMRC कोई काम करती है, रातों रात ऐसे ब्रिज खड़े होते हैं, ऐसे टनल बनते हैं कि पता भी नहीं चलता है जनता को कब बना, कब खुल गया। आप बिहार जाइए, आप त्राहिमाम कर देंगे। तो कुछ वहाँ पर कल्चर ऐसा हो गया, सरकारें तो हैं, उसके लिए दोषी तो सरकार ही है। अच्छा, आप कह रहे हैं मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए, तो मोदी जी ने बेरोजगारी के लिए भी एक बहुत बड़ा दावा किया था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि हम स्किल इंडिया देंगे, टेक्निकल और हैंड को बढ़ावा देंगे, और तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा की उन्होंने, जैसे उन्होंने स्वाभिमान भारत, स्वावलंबी भारत, मेक इन इंडिया और तमाम तरह की बातें क्या क्या करी। मैं मानता हूं कि मोदी जी की विजन बड़े अच्छे हैं, मोदी ने घोषणाएँ बड़ी अच्छी करी, और मोदी जी ने इसके लिए तमाम तरह के उपाय जो होते हैं, बजट सब प्रबंध किया, मैं मानता हूँ। लेकिन जब तक ग्राउंड रियलिटी नज़र नहीं आएगी, जब तक हमको वहाँ दिखाई नहीं देगा, तो इन घोषणाओं का क्या मतलब रह जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार और सरकार को चलाने के लिए जो शासकीय व्यवस्था है, यानी ब्यूरोक्रेटिक जो पैनल्स हैं, जो चैनल्स हैं, इनके बीच एक गहरी खाई है।
बहुत गहरी खाई है। शायद ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं या जितने भी सरकारी महकमा के लोग हैं जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, ये कांग्रेस के साथ ताल में ताल मिला के चल रहे थे और इनको आदत पड़ गई है। और मोदी जी इस चीज़ को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं नहीं पता, लेकिन योजनाओं का फ़ायदा अगर 100 आदमी से बात करिएगा तो 2 आदमी को मिलता है, और उस 2 आदमी को उसमें एक मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इतना तरीके से प्रेजेंट करती है, लगता है कि सारी योजनाओं का फ़ायदा पूरे देश में सबको मिल ही गया, क्योंकि उसी 2 आदमी को घुमा घुमा के दिखाते रहते हैं। क्योंकि मोदी जी ने फिर सोचा, यस मोदी सरकार ने सोचा कि बेस्ट है कि मीडिया को हैंडल कर लो, चर्चाएं अपने आप शुरू हो जाएंगी और मीडिया वही काम कर रही है, तो कहाँ से मिलेगा? आप चले जाइए, खुद सर्वे करिए इंडिविजुअल, 100 में से 2 आदमी आपको मिलेंगे कि हाँ जी हमने अप्लाई किया था या हमारे पास स्किल था, हमने ये किया, हमको मिला। 98 आदमी यही बोलेगा कि आधे को तो पता ही नहीं है, और आधे को जिसको पता है वो चक्कर लगा लगा के पागल हो जाएंगे, उनके साथ कुछ नहीं। तो रोजगार की ये स्थिति है। आखिरी सवाल आपका कि इस समय आपको कोरोना से स्थिति जो भारत में है, तो क्या बिहार में चुनाव की स्थिति है कोरोना में? देखिए, मैंने भी कहा था पहले भी कि चुनाव स्थिति कराने के स्थिति में अभी चुनाव आयोग है यो कह रही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि चुनाव होने की स्थिति में बिहार तैयार नहीं है। बिहार में कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, और वहाँ पे सुविधाओं का बहुत जबरदस्त अभाव है, वो तो बिहार में लोग खुद से अपना इलाज करके और बाहर इन चीज़ों को नहीं फैलने दे रहे हैं, ये उनके लिए बड़ा एक अच्छा कदम है। और बिहार में लोग खुद ही से देसी दवाइयों का उपयोग करके और अपने आप को मजबूत रख के, वैसे बिहार में लोगों का इम्यून काफ़ी ठीक रहता है, हालांकि उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो लेबर भी काफ़ी मात्रा में है, फिर भी बिहार जिस तरीके से काम करके रह गया, तो सरकार का मैं कोई योगदान नहीं मानता हूँ, सरकार जीरो है। जिस तरीके से सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, और जब इतना पैसा कोरोना में गया तो कहीं तो इस्तेमाल करेंगे, तो वो लोग सिर्फ नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोरोना जितना ज़्यादा पकड़ में आए रिकॉर्ड में चढ़ा दो और पैसे ले लो, उसको दिखाओ, तो पैसे की वहाँ एक तरह से बंदर बांट चल रही है। और कोरोना तो बिहार में कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना को तो दिखाना ही नहीं चाहते हैं कि हम कोरोना ग्रसित हो गए, कोरोना आता भी है ठीक भी हो जाता है, जो सेंसिटिव केस होते हैं उनको ले जाते हैं, लेकिन बिहार सरकार को अगर कहा जाएगा कि कोई मदद कर रही है तो मुझे नहीं लगता है। कोरोना से संबंधित जो इक्विपमेंट, हॉस्पिटल, दवाइयाँ, जो उनसे संबंधित जो एलाइड जो भी चीज़ें हैं, मास्क हो या सैनिटाइजर हो, कुछ भी हो, इनकी खरीदारी करने में तो इनको 6 महीने लग जाते हैं। ये देख रहे होते हैं कि किससे हमको पैसा ज़्यादा मिलना है, कहाँ करप्शन का रास्ता हम ढूंढ सकते हैं, यह तो बिहार सरकार है। तो इसीलिए अब चुनाव का वक्त आया है, कोरोना के दौरान अगर चुनाव होता है तो कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। जो चुनाव आयोग कह रही है कि मैं नॉमिनेशन से ऑनलाइन करा दूंगा, और कह रहे हैं कि मैं डिजिटल पेमेंट करा दूंगा, बिहार में कई जगह ऐसी स्थिति है जहां ठीक से बिजली भी नहीं रहती, कितना संभव हो पाएगा वो तो चुनाव आयोग का अपना सर्वे है। दूसरी बात कि वोटर को वो ग्लव्स देंगे, वो पहन के उसको वोट देंगे, अब ये सब बातें करने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में काफ़ी मुश्किल आएंगी और बहुत सारी परेशानियां ऐसी आएंगी जो इनविजिबल हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो सक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से चुनाव को 3 महीने के लिए आगे और बढ़ा देना चाहिए, और अगर जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत बिहार की सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, चलाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।